बदमाशों ने पिस्तौल लहराते हुए उड़ाए निजी स्कूल के फीस रखे 3 लाख। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरभंगा में इन दिनों चोरों का आतंक चरम पर है। घरों, दुकानों और यहां तक कि मंदिरों को भी चोर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात बेखौफ बदमाशों ने एक स्कूल में हाथ साफ कर लिया है। थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित बाल कल्याण पब्लिक स्कूल से शनिवार की देर रात सशस्त्र बदमाशों ने अकाउंट सेक्शन की अलमारी तोड़कर 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। बदमाशों के करतूत स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना रात 11:14 की है। रविवार सुबह करीब 5 बजे विद्यालय परिसर स्थित मंदिर में पूजा करने पहुंचे लेखपाल फुदंजा ने ताला टूटा देखा। प्रबंधक विनोद मिश्रा को इसकी सूचना मिली। प्रबंधक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार शनिवार को बच्चों की फीस कलेक्शन से प्राप्त 3 लाख रुपए को अकाउंट सेक्शन के अलमारी में रखा गया था। शाम को स्कूल बंद कर सभी कर्मी अपने आवास पर चले गए। स्कूल परिसर में ही दूसरी ओर करीब 500 मीटर की दूरी पर कर्मियों का आवास है। 15 से 20 कर्मी परिवार के साथ यहां पर रहते हैं। इसके बगल में छात्रावास भी है। विद्यालय के लेखापाल हैं श्री फुदन झा जी। वो सुबह सुबह भगवती सरस्वती की पूजा करते हैं। 5 बजे सुबह अकाउंट सेक्शन के बगल में ही भगवती सरस्वती की मूर्ति है, उसमें जब पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि अकाउंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है। तो उन्होंने मुझे सूचना दी जो सर ऐसे ऐसे घटना घट गई है। उसके बाद आए तो सारी बात की जानकारी मिली कि कितने की चोरी हुई है। ये तो मामला है अकाउंट सेक्शन का है, लेकिन वही फुदन झा जी जो गैस रखे थे, क्योंकि अभी विद्यालय बंद है और पेमेंट वगैरह करना था, स्टाफ लोग पेमेंट लेते हैं, तो उस क्रम में उन्होंने जानकारी दी है। एक्यूरेट तो नहीं आया है, लेकिन 3 लाख के आसपास, अब उससे थोड़ा अधिक हो या कम हो, लेकिन उन्हीं के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख की घटना है।